मंडला जिले के हृदय नगर के रुकमणी देवी सदा व्रत आश्रम सिद्धपीठ दरबार में एक अनोखे संत का आगमन हुआ है। 23 वर्षीय संत आजाद महाराज की लंबाई महज 27 इंच है। जन्म से उनके दोनों हाथ पैर नहीं है, देखने में यह शिवलिंग की तरह नजर आती है। ये कोटे गांव के ज्योतेश्वर धाम से आए हैं। हाथ न होने के बावजूद भी अपना मोबाइल फोन खुद जिव्या जीप से संचालित करते हैं। पैर न होने के बावजूद थिरकते भी हैं और लुढ़क कर चलते भी हैं। साथ ही इन्हें विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी है। इन पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता। नर्मदा जयंती के अवसर पर इनको मंडला के हृदय नगर में बुलाया गया है, जहां संत जी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये महाराज श्री अद्भुत हैं, लिंग स्वरूपाकार हैं। कहते हैं कि भारत भूमि संतों को जन्म देने वाली भूमि है। ऐसी पावन भूमि में गोटे गांव जो ग्राम है कब ज्योतेश्वर धाम से महाराज श्री का आगमन हुआ है। लिंग स्वरूपाकार हैं, पिंडी के समान हैं, दोनों हाथ दोनों पैर जन्म से नहीं है, सीने में एक वक्ष स्थल है, लुढ़क लुढ़क करके चलते हैं, मोबाइल स्वयं संचालित करते हैं, अद्भुत हैं। महाराज श्री को सारी भाषाओं का ज्ञान है, हाथ पैर नहीं हैं फिर भी नाचना जानते हैं, हाथ नहीं है फिर भी मोबाइल चलाना जानते हैं, ऐसे अद्भुत महाराज हैं। नर्मदा जन्मोत्सव महापर्व में हमारे द्वारा जन्मोत्सव कार्य किया जाता है, जिसमें सभी भक्तों को दर्शन के निमित्त से हमने इन्हें बुलाया कि अद्भुत हैं, माई नर्मदा ने पिंडी निकाल करके बाहर की है तो क्यों ना सभी भक्तों को हम दर्शन करा दें। इसमें से हमने महाराज श्री का हृदय नगर में आगमन करवाया है। हमारा यह रुक्मणी देवी सदाव्रत आश्रम सिद्धपीठ दरबार साधा साध रोग निदान करता है। निशांतन दंपतियाँ पुत्रवत होती हैं कि किसी भी प्रकार का रोगी हो ठीक हो जाता है। यह दरबार सारे रोगों को हरने वाला दरबार है। यहाँ माई नर्मदा साक्षात विराजमान है जो सभी रोगों को हरने वाली हैं। ऐसी जगह में ऐसे संत का आगमन हुआ तो यह पावन भूमि और पवित्र हो गई। ऐसे अद्भुत संत को हम भी बारंबार नमन करते हैं, हम भी बारंबार प्रणाम करते हैं।